जनपद कानपुर देहात के सभी निवासियों को मेरा नमस्कार। मैं पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात आप सबसे अपील करता हूं कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए अपने हाथों को अधिक से अधिक बार धोएं। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि जो आसपास आपके लोग रहते हैं, जो आपसे मिलते जुलते हैं, वो भी इस संबंध में जागरूक रहें, वो भी अपने हाथों को बार बार धोएं। यदि संभव ना हो सके तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। अपने आसपास स्वच्छता और सफाई बनाए रखें। साथ ही मैं आपसे ये अपील भी करता हूं कि कोरोना वायरस के संदर्भ में कोई भी झूठी सूचना ना तो खुद किसी को दें और ना ये ऐसा शेयर किसी के माध्यम से होने दें। यदि आपको इस प्रकार की कोई अफवाह के बारे में सूचना मिलती है तो तत्काल यूपी 112 पर उसको भेजें या फिर स्थानीय थाने में इसकी शिकायत करें। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जनपद में अगले 3 दिन लॉकडाउन के दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं और इस लॉकडाउन से बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो आवश्यक सामग्रियां हैं, आवश्यक सेवाएं हैं, उनका बिल्कुल भी बाधित ना किया जाए, जैसे कि दवाइयां, खाने पीने की सामग्री, ATM, बैंक, ये पूर्व की भांति ही चलते रहेंगे। आप लोग इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग पुलिस विभाग की तरफ से एक नंबर जारी कर रहे हैं कि जिससे कि किसी भी व्यक्ति को थाने या अन्य किसी पुलिस के ऑफिस में चक्कर ना लगाने पड़े, उनको उस चीज़ के लिए घर से ना निकलना पड़े। मैं चाहूँगा कि आप लोग इस नंबर को नोट कर लें। यदि कोई आपकी समस्या हो तो या तो फ़ोन करके या व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपनी शिकायत इस नंबर पर दर्ज करा सकते हैं। इस नंबर पर दर्ज की गई शिकायत का उचित संज्ञान पुलिस द्वारा लिया जाएगा और संबंधित अधिकारी कर्मचारीगण मौके पर पहुंचकर निस्तारण कराएंगे। यह नंबर इस प्रकार है 94-54-41-74-52। मैं नंबर को फिर से रिपीट कर दूं, 94-54-41-74-52। इसके अलावा मैं आपको अवगत करा दूं कि जब लॉकडाउन जनपद में लागू किया जाएगा तो आप लोगों से अपेक्षा होगी कि आप उस लॉकडाउन में भरपूर सहयोग दें, अपने घरों में रहकर अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अनावश्यक सड़कों पर ना घूमें, किसी प्रकार के जुलूस या धार्मिक प्रायोजन की किसी प्रकार की परमिशन जनपद स्तर से नहीं दी गई है तो ऐसे जुलूसों में शामिल होने के बारे में सोचे भी नहीं। इसके अलावा जनपद में जगह जगह पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी नियुक्त होंगे जो अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों को चेतावनी देंगे। यदि वह व्यक्ति चेतावनी देने के बावजूद भी अनावश्यक रूप से जनपद में मूवमेंट करते हैं और अपने और अपने स्वास्थ्य के साथ साथ पूरे समाज के स्वास्थ्य को भी अगर खतरे में पहुंचाते हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और अगर जरूरत पड़ेगी तो मुकदमे भी दर्ज किए जाएंगे। हालांकि मुझे पूरी उम्मीद है कि जनपद कानपुर देहात के निवासी बहुत समझदार हैं, वो इस तरह की स्थिति नहीं आने देंगे। इसलिए मैं फिर से एक बार अपील करता हूं कि कोरोना के खिलाफ जो एक जंग है, जो हम सबको मिलकर साथ में लड़नी है, उसमें सभी लोग कंधे से कंधा मिलाकर पुलिस और जनपद प्रशासन के साथ मिलेंगे और किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से इस वायरस को हम लोगों को अपने जनपद, प्रदेश और देश से खत्म करना है। जय हिंद।